और ये नहीं मालूम कि हमने कर्जा माफ किया है? हमने 30 लाख किसानों का 9000 करोड़ का कर्जा माफ करने का काम किया है। हमने उनके 50,000 10,000 नहीं 50,000 रुपए माफ करने का काम किया है, और यही नहीं किया क्योंकि वो सहकार से जुड़े हुए थे, उनको फिर से लोन देने का काम किया है, और यही नहीं किया हमने एक आयोग बनाने का काम किया है जिसमें अगर वो किसान बहुत ही दुखी है, बहुत कर्ज उसके ऊपर है, तो आयोग के सामने जाएगा। हर डिवीजन के अंदर हमने एक बेंच खड़ा कर दिया है, और उस बेंच में जाएगा तो उसकी बात को सुनाएंगे, वो सुनेंगे और सुन के उसको उसकी मुसीबत को हल करने का काम करेंगे। ये सतत प्रक्रिया है, हमने करके नहीं छोड़ दिया। फिर बोले नहीं बात, लड़कियों को हम मुफ्त शिक्षा देंगे। मेरे बड़ी हंसी आई क्योंकि उनके लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, उन्होंने इनको ये सुनना मालूम नहीं कहां से सुझा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की बालिकाओं को तो छुटपन से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त करा दी है, इतने दिन से मुफ्त है, इन लोग बेचारों को मालूम नहीं। अब इस तरीके से दो तीन उदाहरण दूं आपको। राइट टू हेल्थ हम देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है क्या? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। ऐसे गरीब लोग जो अस्पताल में नहीं जा सकते थे, ऐसे लोगों को अस्पताल में इलाज करने का मौका मिल रहा है, और 2000 करोड़ अलग से करके हमने उनको दवाई देने का, फ्री दवाई देने का काम किया है। हमने उनको फ्री दवाई देने का काम किया है। हमने खाली 2 एस्पिरिन की पत्ती उनके हाथ में डाल के नहीं कह दिया कि फ्री हो गई, चलो चलो ले फ्री दवाई, 2 एस्पिरिन की पत्ती। हमने उनका पूरा इलाज करने का काम किया है। और भाइयों, मैं मुझे गर्व है कि आज राजस्थान की जनता की सेवा करने का इतना बड़ा मौका मिला। मैं तो उसमें चुकने वाली हुई नहीं। मैंने उनको कह दिया, अरे माना नहीं है, क्या जानती है, कहाँ जाएगी जनता के बीच में, कहाँ जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जितना मैं आपके क्षेत्र में आई हूँ, क्या ये नेता इनमें से कोई आया? अशोक गहलोत आए क्या? सचिन पायलट आए क्या? क्या उनने आपके साथ बैठ के आपसे पूछताछ की क्या? क्या कोई जनसंवाद किया क्या? उन्हें क्या मतलब है? 4 महीने में चुनाव के पहले अपने को चुनाव जीतना है, और 50 साल से जीतते आ रहे हैं, तो हमको मालूम है कि चुनाव कैसे जीतना है। हम तो झांसा देके सबको अपनी मुट्ठी में रख के, और झांसा नहीं दे देंगे तो उनके बीच में विवाद खड़ा कर देंगे। एक जाति दूसरे जाति से लड़ जाए, एक भाई दूसरे भाई से लड़ जाए, और हमारा काम हो जाएगा। पर इस बार हमने सबको कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है, 36 के 36 कौम अपने हैं, सबको साथ लेके चलने का काम हमारा है। आपका अगर भला होता है तो पूरे प्रदेश का भला होता है, और पूरे प्रदेश को अगर सुदृढ़ बना देते हैं तो प्रदेश अग्रणी बन जाता है। इसको सोच के अपने को आगे चलना है, और आपकी स्थिति अब बहुत अच्छी बन रही है भाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उद्योगपति क्या चाहता है। अपना धंधा कोई जो लगाना चाहता है वो देखता है बिजली पानी सड़क है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं। अब उसके कंपनी के लोग आते हैं या रहने के लिए, तो उनके लिए रहने का इंतजाम है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है कि नहीं। ये सब धीरे धीरे अलवर में होने लगा है। और मैं ये मानती हूँ कि ITIs जिनके मंत्री जसवंत जी खुद थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1000 ITIs बने भाइयों 50 साल में, और इन 5 साल के अंदर 1000 ITI बना के खड़ा कर दिया। 1000 ITI से ITU को हमने उद्योग के साथ जोड़ दिया, और अगर उन्होंने राजस्थान के लोगों को लिया तो उनको सब्सिडी देने का काम किया, और उसके साथ साथ हमने उनको रोजगार मेले से जोड़ने का काम किया, और 15 लाख बच्चों को रोजगार के अवसर देने का काम किया। मुझे गर्व है क्योंकि आज हवा में नहीं बोल रहे, आज भाइयों ये चीज सब कंप्यूटराइज है। आजकल के जमाना कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए सब चीजें कंप्यूटर के ऊपर आ जाती है। 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, अलग अलग जगह के ऊपर, पंचायतों के ऊपर आपके स्कूल प्रमोन्नत हुए हैं। 1-5 साल के अंदर 6,500 स्कूल प्रमोन्नत हुए, न भूत और न भविष्य में कभी नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं। और उनके लिए टीचर्स की भर्ती करने का काम हमने किया, टीचर्स को भर्ती करा के उन स्कूल में भेजा। अभी भी करीबन 40,000 टीचर्स, 26,000 टीचर्स की हमारे में जरूरत है। मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के अंदर, अभी होने जाने थे परंतु कांग्रेस वालों ने चिट्ठी लिख के उनकी नौकरियों को पे रोक लगाने का काम कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर इनको मिल जाता है, जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसको रोको,
क्योंकि अगर नहीं रोकोगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए इतने सारे बच्चों के पेट के ऊपर लात मारने का काम किया है, ऐसे लोगों को हम नहीं भूलेंगे। सब चीज को राजनीति के साथ जोड़ने का जो काम किया है उसकी वजह से आज हमारे प्रदेश को इतना पिछड़ा करने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये सब आप लोगों के सामने आएंगे और आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें करके भी जाएंगे। इतना अहंकार हो गया है कि उन्होंने तो सोच लिया और 4 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया और उसके 6 महीने पहले बोलना शुरू कर दिया कि 1-5 बार में एक सरकार आती है और फिर 5 बार किसी और की सरकार आती है, अगले 5 साल में एक सरकार आती है और अगले 5 साल में कोई और सरकार आती है। मुझे समझ में नहीं आया ये बात कैसे कह रहे हैं। 55 साल उनके निकल गए तो 5 साल तो किसी और के नहीं रहे, वो डायरेक्ट तो नहीं गए। अब उनके दिमाग में ये बात कैसे आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का 1-5 हो गया, अब हमारा 5 होगा। मैं उनके इन सब के ऊपर पानी फेरना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे थोड़े बातें नहीं देती है, भारतीय जनता पार्टी उसको जमीन पे लाने का काम करती है। और मैं सबको धन्यवाद आज देना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भाई एक मिनट जाओ भैया, थोड़ा रुक जाओ। और मैं प्रधानमंत्री जी को आज धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुद्रा बैंक के द्वारा 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम, उनने कहा पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको 10 लाख तक का लोन अपन देंगे, वो स्वरोजगार अपना खड़ा करेंगे, स्वरोजगार में खुद को भी और उनके 2-3 और लोगों को रोजगार देने का अवसर उनको मिल जाएगा। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे 50 लाख बच्चों को मैं उसके साथ जोड़ूंगी, करीबन 60 लाख लोगों को रोजगार का अवसर देने का काम इस सरकार ने किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।